দাদা, আচ্ছা তো তুম আগর পৌঁছ গই হো তো সিটস ব্লক কর লেনা হামারে লিয়ে আগে। আচ্ছা बाबू मोशाय मेरे लिए बड़ी खास फिल्म है, बहुत एंजॉय किया इसे करना, विलन प्ले कर रही हूँ उसमें और पहली बार सब लोग कास्ट को एक साथ मिलते हैं फिल्म देख रहे हैं और अभी तक जितने रिव्यूज़ आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग। ओके, पहली बार जैसे कि आप नेगेटिव पढ़ रही हैं इसमें, तो क्या कहना चाहिए, मतलब नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रहा है? जब मैं एक फिल्म एंजॉय करती हूँ करना और आके देखूँगी ऑडियंस की तरह, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑडियंस ही किंग है और अभी जितनी एडवांस बुकिंग वगैरह सब हो रही है, सुना है कि अच्छी हो रही है, सो आई एम वेरी हैप्पी। ऑडियंस इसे पसंद करेगी तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सक्सेस। जी इतनी फिल्में बनती हैं और ऐसे क्लैशेस होते हैं, आई पर्सनली नॉट इन फेवर ऑफ दैट, लेकिन अब है तो है, अब उसे आप हेल्दी कॉम्पिटिशन मान सकते हैं। ओके, जैसे कि इस तरह से आजकल बच्चों को जो सीख दी जाती है कि ऐसे करिए वैसे करिए, आजकल जैसे कि इंटरनेट पे जो वीडियोस भी जो वायरल हो रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बच्चे को चाइल्ड अब्यूज किया जा रहा है, उसको पढ़ाई को लेकर, उसमें क्या कहना चाहिए? आई थिंक दैट्स रियली सैड, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ रोकना हमारी जिम्मेदारी है। इसे हमसे ज़्यादा आप लोग अपने मीडिया द्वारा सब स्प्रेड कर सकते हैं, दैट्स रियली नॉट गुड प्लेस एट ऑल। हाँ, अभी फिल्म का जो प्रीमियर शो है उसमें मैं आई हूँ और क्रिटिक्स ने भी रोपर को फिल्म देख लिया है, ज़्यादातर लोगों ने हमारी फिल्म को अच्छी रिव्यू दिया है, जो मतलब पढ़ के मैं बहुत खुश हूँ, रिव्यूज़ ऑलरेडी सर्कुलेट होने लगे हैं, तो पता है कि लोगों को मूवी पसंद आ रही है। अभी मैं खुद देखने वाली हूँ, डायरेक्टर साहब ने नहीं दिखाया बिल्कुल, पहले हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था नहीं दिखाया था, अभी देखने वाली हूँ और कल तो दर्शक देखेंगे और दर्शक सबसे ऊपर होता है, दर्शक अगर उन्हें पसंद आए तो तभी मूवी चलेगी, हम सबको आगे और दूसरे फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। तो बहुत डर है मुझे। ओके, आपके काम को लेकर अभी क्या मतलब रिस्पांस आया है क्रिटिक्स से, आपके क्रिटिक्स ने तो बहुत अच्छा लिखा है अब तक, क्रिटिक्स तो तारीफ कर रहे हैं, पर दर्शक अगर तारीफ करे तो ही मैं असली अवार्ड समझूंगी उसे। ओके, और क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, जो आपके जो मैं फैंस को कहना चाहूंगी कि मेरी मूवी कल मतलब 25 अगस्त रिलीज हो रही है, गणपति पूजा के दिन आप लोग बिल्कुल जाके देखिए और सपोर्ट कीजिए, अगर आप फैन हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए मूवी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। गणपति आ गया है, क्या विश चाहिए सबको? गणेश चतुर्थी की मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, हैव अ इको फ्रेंडली गणपति, अगर चाहे तो आप घर में गणपति बनाइए मिट्टी से और घर में विसर्जन कीजिए, बड़ा जो मूर्ति होता है जो केमिकल भरा हुआ मूर्ति वो मत लाइए, खुद ही बनाइए गणपति, हैव अ सेफ एंड इको फ्रेंडली गणपति। थैंक यू। मैं एक्चुअली आई हूँ, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, शिरीष के भाई है, जो को प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, अश्मित सुंदर, सो आई हैव कम फॉर हिम। प्रोड्यूसर आपकी सास है?
वो प्रोड्यूसर मेरी सास है, मैं प्रोड्यूसर हूं यार। अच्छा, पैसे उनसे मिलूंगी। बिल्कुल, ओके। सो ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ बाबू भाई, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग फैब। बाबू मोशाय बंदूक पास एंड नवाज इज एवरीबॉडीज फेवरेट। ओके, आप किसकी परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हैं? मैं हमेशा ही नवाज की परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हूं। मैं अश्विन को कह रही थी कि वो स्क्रीन पे कितनी सुंदर लगती है और एकदम जैसे नॉर्मल लाइफ में फिर भी वेस्टर्नाइज है, बट स्क्रीन पे शी इज अ इंडियन ब्यूटी। यानी ट्रेलर इज ट्रैकिंग, आई थिंक ट्रेलर का ही तो कमाल है। वो ट्रेलर से सारे एक्साइट हो गए थे बिकॉज इट्स अ वेरी आई बॉल कैचिंग ट्रेलर। नहीं, ऐसा मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मतलब मेरे दोस्तों की फिल्म है दूसरी भी, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ माई फिल्म, कोई प्रेशर नहीं है। इंडस्ट्री से क्या क्या अभी? इंडस्ट्री से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। क्या बोलूँ, सबसे अच्छा फीडबैक मेरी फिल्म के लिए आ रहा है ऐसा लग रहा है। यही चाह होती है एक्टर की कि लोग पसंद करें उसका काम, और इसीलिए हम मेहनत करते हैं कि लोग इन्जॉय कर पाएँ। और क्या कहना चाहेंगे जो आपके जो फैंस हैं, जो आपके देखने वाले हैं, जो आपके लोग से क्या कहना चाहेंगे? आपकी रोगी आपकी क्या बोलना चाहिए, रोगी को लेकर क्या अपील है आपकी आपके देखने वालों से? बहुत रॉ है, बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, ड्रामा बहुत है, थ्रिल है, एक्शन है, तो ऑल इन ऑल बहुत एंटरटेनिंग है। कंपेयर किया जा रहा है, पता नहीं मुझे, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अगर कंपेयर किया जा रहा है तो। वो तो बहुत ही अच्छा एक्टर है। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस मूवी का हिस्सा मैं भी हूँ। मैंने गाया है एक गाना बर्फानी इस फिल्म में, और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक गाना गाने का मौका मिला मुझे, और ऐसे एक फिल्म के साथ यू नो हिस्सा बनने का मौका मिला। नवाज सर के साथ पहली बार मेरा कोलैबोरेशन हुआ है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड बस आज वो दिन है जो हम फिल्म देखेंगे, एंड आई एम एक्साइटेड डेफिनेटली। जी जी, सॉरी, बहुत अच्छा एक्चुअली, क्योंकि ऐसी फिल्म को आई थिंक क्रिटिक्स विल रियली पुश दिस फिल्म फॉरवर्ड, एंड नवाज सर के जो फैंस हैं वो तो जाएंगे देखने के लिए, एंड उनकी एक्टिंग तो हम क्या कहें, मतलब हर फिल्म किक हो या यू नो उनका और कौन सा अनुराग सर के साथ जो पहले था गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या जो भी हो, वो बहुत कमाल का काम करते हैं। फाइनली मैंने उनके लिए एक गाना गाया है उनके फिल्म में, एंड पहली बार उनके साथ कोलैबोरेट किया, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर बाबू मोशाय बंदूक। थैंक यू सो मच।